नमस्कार। भगवान मत्स्य नारायण की पवित्र वाणी सुन रहे हैं और इसमें अनेक फिर संवाद सुनाए जाते हैं। तो ऋषियों और सुत जी का संवाद भी है और उसके अंतर्गत मार्कंडेय जी और युधिष्ठिर का संवाद है। इसमें युधिष्ठिर महाराज ने स्पष्ट रूप से पूछा कि कथम एषा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्रुता नर्मदा नाम विख्याता तन्मे ब्रूहि महामुने। मुझे ये सुनना है कि ये महापुण्य प्रदायिनी नर्मदा नाम से विख्यात नदी ये सर्वत्र प्रसिद्ध कैसे हो गई, इसकी ऐसी क्या महिमा है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि सभी पापों का नाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जो हैं वो सभी स्थावर जंगम जीवों का उद्धार करने वाली हैं। इस एक ही वाक्य को ठीक से समझ लें, स्थावर स्थिर और जंगम चलने फिरने वाले, तो मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी ये सब तो नर्मदा जी का सेवन करें तो वह उनके पापों का विनाश कर दे, ये तो ठीक है। लेकिन कोई पत्थर बन गया है, यदि कोई जीव इस तरह से है तो ये स्थिर है ना, स्थावर, उसका भी मोक्ष करती है नर्मदा, उनके भी पापों का विनाश करती है नर्मदा, उनका भी उद्धार करती है नर्मदा। कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने कहा कि महाराज, मैंने इस नर्मदा नदी का जो महात्म्य पुराण में आपसे सुना है वो सब कह रहा हूँ। कनखल में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पुण्य प्रदा कही गई है, किंतु चाहे गांव हो या वन, नर्मदा तो सभी जगह पुण्य प्रदायिनी है। नर्मदा जी की परिक्रमा भी करते हैं लोग, आप जानते ही हैं। सरस्वती का जल 3 दिनों तक सेवन करने से, जमुना जी का जल 7 दिनों में और गंगा का जल स्नान पान आदि से उसी समय पवित्र कर देता है। परंतु यदि आप नर्मदा जी की बात करें तो दर्शनादेव नर्मदम, दर्शन मात्र से ही नर्मदा जी का जल जो है वो पवित्र कर देता है। कलिंग देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित अमरकंटक पर्वत से त्रिलोकी में विख्यात रमणीय मनोरम एवं पुण्यदायिनी नर्मदा जो है वह प्रवाहित होती है। महाराज, इसके तट पर देवता असुर गंधर्व और तपस्या में रत ऋषिगणों ने तपस्या करके परम सिद्धि की प्राप्ति करी है। हम सब ने कई बार सुना ही है नर्मदा कर्म की नदी है, आप वहाँ पर कर्म करेंगे तो आपको जो फल प्राप्त होगा उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। परम सिद्धि की प्राप्ति नर्मदा जी का किनारा देता है तो वहाँ पर तपस्या करना चाहिए। कहते हैं, राजन, यदि नियमनिष्ठ एवं जितेंद्रिय मनुष्य नर्मदा में स्नान करके एक रात उपवास करके वहाँ निवास करे तो वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। यदि मनुष्य जलेश्वर, आजकल जिसे जालेश्वर तीर्थ कहते हैं, उसमें स्नान करके पिंड दान करता है तो उसके पितर विधिपूर्वक प्रलय काल पर्यंत तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य वहां स्नान करके गंध माला और चंदनों से शिव जी की पूजा करते हैं उस पर भगवान रुद्र कोटि प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मार्कंडेय ने कहा कि राजेंद्र, ऐसी ख्याति है कि यह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से अधिक लंबी और 2 योजन चौड़ी है, बहुत बड़ी नदी नर्मदा जी। और कहते हैं कि 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ इस अमरकंटक पहाड़ के चारों ओर वर्तमान है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में जाते हैं। युधिष्ठिर, जैसा मुझसे शंकर जी ने कहा था उसके अनुसार सरस्वती गंगा और नर्मदा में स्नान और दान का फल समान होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वो 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक काल तक रुद्रलोक में पूजित होता है। नर्मदा की लहरियों के फेन से अलंकृत पुण्यमय पवित्र जल सभी पापों से मुक्त करने वाला है, अतः वह सिर से वंदना करने योग्य है। पुण्य तो या नर्मदा ब्रह्म हत्या का भी नाश करने वाली है। यहाँ 1 दिन रात उपवास करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। पांडुपुत्र, नर्मदा इस प्रकार पुण्यमयी और रमणीय है, यह महानदी तीनों लोकों में भी पुण्यमयी है। महापुण्यप्रद वटेश्वर, तपोवन और गंगा द्वार, इन स्थानों में द्विजगण व्रत अनुष्ठान करते हैं, परंतु नर्मदा और समुद्र के संगम पर उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि नदियों में श्रेष्ठ जो नर्मदा है वह रुद्र के शरीर से निकली है। यह स्थावर और जंगम सभी जीवों का उद्धार करती है, ऐसा सभी देवताओं के अधीश्वर महात्मा शंकर ने स्वयं ऋषिगण को और विशेषकर मुझे बताया है। मुनियों ने इस श्रेष्ठ नर्मदा नदी की स्तुति की है। यह नर्मदा संसार के हित की कामना से भगवान महादेव के शरीर से प्रकट हुई है। यह सभी पापों का क्षय करने वाली और सभी देवों द्वारा नमस्कृत है।
देव गंधर्व और अप्सराओं ने इसकी भली भांति स्तुति की है। आदि गंगे तुम्हें नमस्कार है, पुण्य सलीरे तुम्हें प्रणाम है, सागर की ओर गमनशीले तुम्हें अभिवादन है, पापों को नष्ट करने वाली एवं सुंदर मुख वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम ऋषि समूह एवं सिद्धों से सेवित हो, तुम्हें प्रणाम है, शंकर के शरीर से निकली हुई तुम्हें अभिवादन है। तुम धर्मात्मा प्राणियों को वर देने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है, सभी को पवित्र एवं निष्पाप करने वाली तुम्हें प्रणाम है। जो श्रद्धा से समन्वित होकर इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदज्ञ, क्षत्रिय हो तो विजयी होता है, वैश्य धन का लाभ करता है और शूद्र को शुभ गति की प्राप्ति होती है। अर्थ को चाहने वाला सदा स्मरण मात्र से ही अर्थ लाभ करता है। साक्षात महेश्वर देव नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं, इसलिए इस पवित्र नदी को ब्रह्महत्यारूपी पाप का भी निवारण करने वाली जानना चाहिए। ऐसी महान नर्मदा नदी का हमने वैसे तो मार्कंडेय जी के मुख से या सुत पुराणी के मुख से या मत्स्य भगवान के मुख से, लेकिन वैसे देखें तो स्वयं महेश्वर के मुख से ही हमने यह महात्म्य सुना। स्वयं महेश्वर देव नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं और फिर वे उस नदी की महिमा बताएं, तो फिर उसमें तो क्या कमी हो सकती है। ऐसे महेश्वर को, नर्मदा जी को, इस दिव्य मत्स्य पुराण को, आपको भी प्रणाम।